अब ये जो हमने डेटाबेस बनाया है, ये बैकएंड है हमारा। टेबल जो बनाए हमने, ये चार टेबल्स हमने बनाए थे, कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट और ऑर्डर डिटेल। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस है, इसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए कुछ हमारा फ्रंट एंड होगा, फॉर्म्स होंगे, और इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है बिटवीन फॉर्म्स और योर फ्रंट एंड एंड डेटाबेस, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये अब हमें पढ़नी है, यानी कि किस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो उसके लिए सी शार्प में कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं, और इन क्लासेस के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप अपने फ्रंट एंड और डेटाबेस के साथ आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, और इसको कहा जाता है एडियो डॉट नेट। और एडियो डॉट नेट से मुराद ये है कि किस तरीके से आप बाई यूजिंग सी शार्प डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो उसमें मुख्तलिफ हमारे पास अप्रोचेज हैं, यानी कि क्लासिकल अप्रोच से बात करें तो हम कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड अप्रोचेस के थ्रू भी काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आगे चल के लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी का भी ऑप्शन है, और एंटिटी फ्रेमवर्क भी हैं। लिंक और एंटिटी फ्रेमवर्क में हम बाद में आएंगे, पहले हम क्लासिकल अप्रोचेस पर बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो दो तरह की अप्रोचेज हैं, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। तो पहले हम कनेक्टेड देख रहे हैं और कनेक्टेड अप्रोच जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और ये जो नया प्रोजेक्ट है ये मैं बना रहा हूँ कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन आपको पता है कि इसमें कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ स्क्रैच से आपको बनानी होती है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जनाब कनेक्टेड क्लासेस। कनेक्टेड क्लासेस इसको क्यों कहते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल जो है वो मैंने ये एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया सी शार्प का, कनेक्टेड क्लासेस के नाम पर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ किससे, डेटाबेस से। डेटाबेस में जो वो टेबल बनाया हमने बैक एंड से, तो उससे कनेक्ट करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, आप कह लें उससे बातचीत करने के लिए मुझे कुछ क्लासेस की ज़रूरत है सी शार्प की। और वो जो सी शार्प की क्लासेस हैं वो बनी हुई हैं पहले से, उनको मैं उनके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उनके मेथड्स कॉल करूंगा, और उन क्लासेस को यूज़ करने के लिए वो क्लासेस जिस नेम स्पेस में, जिस पैकेज में, जिस लाइब्रेरी में मौजूद हैं वो भी मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। तो लिहाजा देखिए मैं यहाँ पर जो है वो सबसे पहले लिख रहा हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल। तो दो मैंने यहाँ पर जो है वो नेम स्पेस यूज़ करें, एक सिस्टम डॉट डेटा और एक सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, इस वक्त हम कनेक्ट हो रहे हैं एसक्यूएल सर्वर से। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमें एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होना हो, कभी हम ओरेकल से भी होते हैं, कभी हम माई सीक्वल से भी होते हैं। तो उस केस में सिस्टम डॉट डेटा तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन एसक्यूएल क्लाइंट के बजाय ओरेकल क्लाइंट या ओएलईडीबी क्लाइंट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं मेन मेथड के अंदर। सबसे पहले जो क्लास हमें यूज़ करनी है ना, उस क्लास का नाम है एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन की जो क्लास है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड डेटाबेस। सही है, ये जो कनेक्शन की क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम ऐसे ही सिंपल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ये क्लास जो है वो एसक्यूएल क्लाइंट के नेम स्पेस में मौजूद है, लिहाजा हमने आसानी से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, अब मसला ये है कि ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी होंगी। तो
इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जनाब, कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसमें हमें जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है डेटाबेस की। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये ज़रा ट्रिकी पार्ट है। इसलिए ट्रिकी पार्ट है कि अब जो हम लिखने जा रहे हैं ना, वो इन दिस इन साइड ऑफ स्ट्रिंग लिख रहे हैं, उसको कोई कंपाइल होगा नहीं, उसमें कोई एरर होगा तो रन टाइम में पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा समझ में रट्टा लगा लेते हैं। बहरहाल, पहली चीज़ जो कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें देनी होती है ना, वो देना होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में क्या देना है? डेटा सोर्स में हमें देना है एसक्यूएल सर्वर के इंस्टेंस का नाम। जैसे यहाँ पे देखें, जब मैं कनेक्ट होता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर से, तो ये जो सर्वर नेम में जो देता हूँ ना मैं, ये मेरे एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस का नाम है। ज़्यादातर ये कंप्यूटर का नाम भी यही होता है हमारा। तो मैंने यहाँ पर जो है वो ये दे दिया डेटा सोर्स। डेटा सोर्स देने के बाद दूसरी चीज़ जो मुझे देनी होती है, वो यहाँ पर देनी होती है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग जो है वो उस डेटाबेस का नाम है जिससे मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूँ।